अस्सलामुअलैकुम। ये है मेरे पास इन लिप पेंसिल्स का कलेक्शन जो कि मैंने आपको शेयर किया है एंड आई रियली लव देम। ये है द वन वालों की पेंसिल। मैं आपको इसके ओपन करके इसके शेड्स सिखाती हूँ। एक शेड मैंने इसका अभी नहीं लिया है एंड ऑब्वियसली वेरी सून आई विल बाय इट, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये लिप लाइन बहुत ज़बरदस्त है, सॉफ्ट है और अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, बल्कि आप चाहें तो इसे एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके शेड मैं आपको वन बाय वन इसका दिखाती हूँ डेमो करके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये वाला शेड दिखाऊँगी। ये शेड जो है ये है बरगंडी शेड। ठीक है, बरगंडी शेड है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ ओपन करके। आप इसे रोल कर दी जाइए, आपको पता जाएगा। राइट, मैं इसे फिक्स कर रही हूँ वापस, क्योंकि ये मेरी यूज़ में है इसलिए ये अंदर चला गया, अदरवाइज़ ये इस पोजीशन में आपको मिलेगा नहीं। वो जब होगा तो ये थोड़ा सा इस तरह से होगा। ओके, इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका शेड है ये, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट शेड शो करती हूँ। हाँ जी, ये वाला जो शेड है, ये ऊपर वाला जो शेड है वो मौका है और नीचे वाला जो है वो बरगंडी शेड है। बहुत ही सॉफ्ट पेंसिल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। इनको आप ज़्यादा ओपन करके नहीं लगाएंगे, आप बिल्कुल टिप निकालेंगे उनकी और बहुत आराम से लाइन बन जाएगी। इजी टू यूज़ है, बहुत आसान है। अब मैं आपको जो है इसका नेक्स्ट शेड दिखाती हूँ। ठीक है, ये कलर है रेड। ठीक है, इसका रेड शेड बहुत खूबसूरत है, बहुत और मुझे बेहद पसंद भी है। चलिए मैं आपको इसका शेड दिखाऊँ अपने हाथ पे कि इसका शेड क्या है। रेड कलर की प्लास्टिक में ये जो है रेड है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा घिस दिया इसलिए ये स्प्रेड हो गया, अदरवाइज ये बहुत बारीक सी लाइन बनती है। ठीक है ना, चलिए मैं आपको फिर नेक्स्ट शेड दिखाता हूँ। ये इसका रोज़ पिंक शेड, पिंक शेड जब ये न्यू होती है ना, देखिए इस पोजिशन में होती है। ये मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है ना, उसका शेड लिया है। ठीक है, अब मैं आप उसे यूज़ करके दिखाती हूँ अपने हाथ पे। ये लास्ट शेड रोज़ पिंक के लिए, जैसे ये रोज़ पेटल्स होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का शेड है ये। तो ये रेड मेरे पास कितने शेड हैं, 4 शेड्स हैं। तो ये सबसे ऊपर मौका शेड है, यानी ब्राउन डार्क, उसके बाद नीचे इसकी बरगंडी है, इसके नीचे रेड है और ये पिंक। ये मेरे पास शेड हैं, पर्सनल यूज़ में हैं जो मेरे, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ऑब्वियसली जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तभी मैं रिकमेंड भी करती हूँ, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। इस्तेमाल में ये है कि एक्सपर्टनेस थोड़ी सी आती है। शुरू में तो बहुत अनाड़ी थी मैं, तो मैंने इसे यूज़ किया बड़ी फ्रीक्वेंटली निकाल कर, तो ऐसी बात है इसको तो टूटना था, ये बहुत नाजुक सी होती हैं। लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करने का तरीका आ जाएगा तो आपको इससे आसान और इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कहीं मिलेगी नहीं। तो ये ओवरऑल बहुत खूबसूरत कलेक्शन है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ की मेरे पास लिपस्टिक्स भी हैं और मैं इन्हें बहसी बात बहुत शौक़ से इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ भी है, मेरा शौक़ पढ़ाना भी है, मेरा शौक़ कॉस्मेटिक्स भी है, मेरा शौक़ जो है वो अच्छे अच्छे बैग्स हैं, और मेरा शौक़ जो है वो अच्छे अच्छे शूज़ हैं। ये मेरा शौक़ है, और मैं कहती हूँ कि जब तक इंसान ज़िंदा है अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करे, और बाकी जाना तो सभी को है। तो जब तक ज़िंदगी है, जब तक जान है, अब तक जान है, तो अपनी लाइफ को तो इन्जॉय करना चाहिए, मेरा ज़्यादा ख्याल यही है। देखिए, ये मुझे जीजी वालों की तरफ सेल हुई थी ऑफ़र में, ये इतना खूबसूरत सा मुझे ये बैग मिला था। लॉयल्टी ऑफ़र का मतलब ये होता है जब हमारी जो है बहुत अच्छी सी सेल होती है, तकरीबन 60,000 पर मंथ की मैंने सेल की थी 3 मंथ्स तक, तो मुझे लॉयल्टी ऑफ़र में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मिली थी। चलिए मैं आज आपको दिखाई दूँ इन पेंसिल्स के साथ साथ। मुझे ये जीजी वालों का फाउंडेशन मिला था, ये बहुत ही खूबसूरत क्वालिटीफुल चीज़ है। आमतौर पे अगर आप इसे बाय करेंगी तो ये 6,000 से कम का नहीं है। मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाती हूँ। देखिए, इसमें ड्रॉपर टाइप होता है ना, जब हम इसे खोलते हैं तो इसका बाकायदा ड्रॉपर की तरह से ड्रॉपर रहता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे ये लाइनर मिला था, ये भी बहुत क्वालिटीफुल चीज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। ये देखिए, ये पेन लाइनर है, बहुत ही क्वालिटीफुल है। इसको मैं आपको निकाल के लगा के दिखाती हूँ। ये है पेन लाइनर, बहुत ईजी टू यूज़ है। इसकी टिप भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है।
क्योंकि मैं दिखाती हूँ उसकी टिप, इसके रिप ऐसी है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाती हूँ, आप इसे यूज़ कर सकती हैं, प्लास्टिक है ना, इसलिए बहुत ही इजी टू यूज़ है। लाइनर ये वाटर प्रूफ है, सबसे बड़ी बात है इसकी क्वालिटी ये है, ये वाटर प्रूफ है और अच्छी क्वालिटी है, बेहतरीन क्वालिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं एज अ गिफ्ट ओरिफ्लेम से मुझे मिली हैं, और ऑब्वियसली गिफ्ट उसी वक्त मिलता है जब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है और ऑनेस्ट परफॉर्मेंस होती है। जब मेरी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस होती है, जब भी मेरे पास कस्टमर्स होते हैं, जब भी वो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, वो बिलावजह नहीं करते, मैं उनको जब भी गाइड करती हूँ अच्छा सा गाइड करने की कोशिश करती हूँ। मेरी अपनी कोशिश होती है कि कोई भी मुझे कम से कम बद्दुआ ना दे कि भाई ये क्या मुझे कहाँ फंसा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त रहता है सिस्टम। अच्छा जी जी वालों की इन चीज़ों के अलावा भी मुझे एक चीज़ मिली थी, बट आई रिमेंबर, हाँ यस वो मुझे मिली थी जी जी वालों की लिपस्टिक, बहुत अच्छी ज़बरदस्त खूबसूरत शेड है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये सारी ऑफ़र्स इतनी, हमें बहुत सारी ऑफ़र्स भी मिलती हैं, जाहिर बात है हमारी सेल्स पर डिपेंड करता है, और सेल्स जो होती है ना उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम लोगों को चीज़ें पहना दें बस ले 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 लें, नहीं, आप उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप किसी को भी कोई चीज़ दिलाते हैं तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपने उसे जो चीज़ दिलाई है कि वो ठीक है कि नहीं है। सर वाली पेंसिल तो मुझे नज़र नहीं, लिपस्टिक नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूसरी दिखा देती हूँ, जी जी वाली की क्वालिटी बहुत शानदार है इन लोगों की। ये वाली लिपस्टिक बहुत सॉफ्ट है, ये मैं अक्सर रात को सोने से पहले लगाती हूँ। ये इन लिपस्टिक से क्वालिटीज़ ये हैं कि ये जो है ना इनमें लेड नहीं होता, और ये आपकी ना सिर्फ ये कि लिप्स को बहुत नॉरिश करती हैं, बल्कि आपकी लिप की जो कलर है उसको भी फेयर कर देती हैं। कलर इससे बहुत अच्छा हो जाता है, लिप का ब्लैकनेस दूर हो जाती है, रैशेज़ दूर हो जाते हैं, और बस इसके अंदर मैं क्या क्या खूबियाँ बताऊँ, तो बस इन चीज़ों की वजह से ही मैं इन तमाम कॉस्मेटिक्स की फ़ैन हूँ। और आई होप कि आपको मेरी चीज़ें समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी, तो मैंने आप लोगों के लिए ख़ास ये वीडियो बनाई है। अरे लॉयल्टी ऑफ़र शो करने का तो दिल नहीं चाह रहा था, बताने की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैंने सोचा लगे हाथों मैं आप लोगों को बता दूँ भाई कि भाई हमारी ओरिफ्लेम जो है वो न सिर्फ हमें सेल्स की हमें मिल रहे होते हैं पॉइंट्स, बल्कि हमें जो है वो इनामात भी दे रही होती है, एक से बढ़कर एक गिफ्ट दे रही होती है, जिस गिफ्ट के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी क्वालिटीफुल चीज़ें। अब जैसे ये लाइनर है, ये लाइनर आम तौर पे मार्केट वैल्यू इसकी 2600 है, इसी तरह ये जो लोशन है 6000 अराउंड है, इसी तरह ये बैग जी जी वालों का ब्रांडेड है। ऑब्वियसली तो आम चीज़ें ब्रांडेड होती हैं, तो क्वालिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, और हमें जब ये गिफ्ट मिल रहा होता है तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं इसे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और आप अगर कोई गलती हुई है इसमें तो इसको इग्नोर फरमाएंगे आप लोग, क्योंकि मैं तो एज अ यू नो के शौक है मेरा, तो उसमें मैं लगी रहती हूँ। और ज़्यादा बेहतर है कि इंसान जो है वो खाली बैठा हो तो पॉजिटिव सोच रहा हो, पॉजिटिव तरीके से रह रहा हो, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए ज़रूरी है कि खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, बस यही है एम ऑफ लाइफ, यही हर एक का होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Thank you.